हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो लास्ट सेट जेके सेट के जो फॉर्म थे आप उनके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से। तो सेम ही प्रोसीजर रहेगा लैपटॉप से भी, लेकिन मैं मोबाइल फ़ोन से करके बताऊँगा आपको। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर हमारे चैनल पर नए हैं आप, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। तो पूरी वीडियो को देखना है, अगर उसके बाद आपको कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। तो गाइस, मैं सबसे पहले बता दूं कि आपको लास्ट सेट जहाँ जेके सेट क्या है, तो इसके लिए मैंने वीडियो बताई हुई है क्या एलिजिबिलिटी इसके लिए रहनी है। तो पूरी इस पे दो वीडियो हैं, वो आप जाके देख सकते हो, तो उसमें मैंने डिटेल्स बताई हुई हैं। तो गाइज, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, URL ये जो दिख रहा है jammuuniversity.ac.in, ये टाइप करना अपने फ़ोन के किसी भी ब्राउज़र पे। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप गूगल क्रोम यूज़ करें, क्योंकि उस पर व्यू बेटर रहता है, ठीक है। तो गाइज़, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर आ जाएगा लास्ट सेट, ये जो यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ये लास्ट सेट जहाँ जेके सेट आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आप सेट के जो होम पेज इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है 2021-22 के लिए, उस पर पहुँच जाओगे। यहाँ पे आपको अन्य डिटेल्स मिल जाएंगी, जैसे सब्जेक्ट, सिलेबस वगैरह। आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में एडवाइस करूँगा आपको, ये पढ़ लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे आप जैसे, तो आपके सामने एक और इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये इंस्ट्रक्शंस मैं एडवाइस करूँगा फिर से आपको कि आप पढ़ लें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो बताना मुश्किल हो जाता है वीडियो में, क्योंकि ड्यूरेशन पहले ही काफ़ी ज़्यादा बन रही होती है वीडियो की। तो आपको ये खुद पढ़ लेनी है इंस्ट्रक्शंस, तो बाकी हम मेन मेन आपको बता देंगे। तो इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लें, क्योंकि आपके पास टाइम तो होगा, गलती करने से अच्छा है कि इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें। और यहाँ पे क्या होगा गाइज, इन्होंने बताया हुआ है एप्लीकेशन प्रोसीजर के 3 स्टेप्स होंगे। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, बाकी जो फॉर्म भरते हो उससे उल्टा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फ़ी पेमेंट करनी है। तो जैसे बाकी फॉर्म में आप लास्ट में पेमेंट करते हो जनरली, पर इस फॉर्म में क्या है, आपको पहले फ़ी पेमेंट करनी है। उसके बाद एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, जहाँ पेमेंट रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। तो आपको क्या करना है, फॉर्म भरने के लिए उसका यूज़ होगा, उस फ़ोन नंबर भी आप सही से भरें और वो रेफरेंस नंबर भी नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप रजिस्टर कर पाओगे, रजिस्टर योर सेल्फ दूसरा स्टेप रहेगा, जिसमें आपको फ़ोटो और रिसेंट फ़ोटो और साइन अपलोड करने हैं, जिनका साइज़ क्या है, 50 KB से लेस होना चाहिए, JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो गाइज़, इमेजेस मोस्टली इसी में होती हैं। तो आपको क्या करना है, रिसाइज़ कैसे करना है इमेज को, आपको क्या करना, क्रॉप कर लेना है, जैसे इतनी सी इमेज होती है ना, इतनी सी, ऐसे उसको क्रॉप कर लेना है, या साइन जितने से होते हैं उनको क्रॉप करके दूसरे के व्हाट्सएप पे भेजोगे तो उससे भी रिसाइज हो जाएगा। अगर वैसे नहीं होता है अपने फ़ोन पे लेके, तो आप ऑनलाइन भी रिसाइज कर सकते हो, ऑनलाइन इमेज रिसाइजर पर जाके, क्रोम पे वो भी, जो किसी भी ब्राउज़र पे सर्च करना है वहाँ आ जाएगा। तो गाइज़, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इसके रिगार्डिंग, आप कमेंट करें, मैं हेल्प करूँगा पूरी आपको रिसाइज़ करने में, तो आप खुद से भी कर लेंगे इसको, ठीक है। तो गाइज़, क्या करना है, फिर आपको फाइनल स्टेप जो थर्ड रहेगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और फिर उसको रेफरेंस के लिए प्रिंट करके रखना है, ठीक है। हार्ड कॉपी वगैरह सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जेके सेट में इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। आपको इस पे यस पे क्लिक करना है, यस पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक और इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये स्टेप यहाँ पे दिए हुए हैं, पहला स्टेप जो है इस पे आपको क्लिक करना है, क्लिक टू पे फी। तो गाइज़, यहाँ पे फ़ी पहले पे होगी जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना नाम ध्यान से भरना है, फादर नेम भरना है, और मोबाइल नंबर फिल करना है, जो वर्किंग है वो काम आएगा, क्योंकि आपको यूज़ करना है आगे बाकी फॉर्म भरने के लिए। और यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जनरल, OBC, ST SC, जो भी है आपकी, यहाँ पे अप्रोप्रिएटली जो भी आपके लिए है वो चूज़ करनी है। तो अब जैसे चूज़ करने के लिए यहाँ पर आपकी फ़ी आ जाएगी, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है फॉर विच UT यू आर अप्लाइंग, UT ऑफ JNK या UT ऑफ लद्दाख। गाइज़, यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न आता है कि हम दोनों UT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाइज़, मैंने एक मेल डाली थी इसके रिगार्डिंग उनको, तो मुझे रिप्लाई आया कि यू कैन अप्लाई ओनली फॉर 1 UT, आप एक ही UT के लिए अप्लाई कर सकते हो, और आप जिस UT के लिए अप्लाई करोगे उसी UT के रूल्स आपको गवर्न करेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ रिप्लाई आया। और आपको क्या करना, अपनी UT चूज़ कर लेनी है, UT ऑफ JNK जैसे है अगर आपकी, तो आपको वही चूज़ कर लेनी है। और फिर आपको क्या करना है, फॉर विच UT यू बिलोंग किस UT करती है, UT ऑफ JNK, UT ऑफ लद्दाख, जो भी आप होंगे, या अदर स्टेट, वो क्लिक कर लेना। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन रेज होता है कि अदर स्टेट वाले इस अप्लाई कर सकते हैं सेट या लास्ट सेट के लिए,
तो गाइज़ इसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन है उन्होंने बोला कि डोमिसाइल चाहिए होगा यूटी का, पर यहाँ भी इन्होंने ऑप्शन दिया है। तो अगर आप अदर यूटी को, मैंने उनको मेल में ये भी लिखा था कि क्या अदर यूटी वाले एलिजिबल होंगे, उन्होंने मुझे कोई अच्छा रिप्लाई नहीं दिया। तो आप अगर अदर यूटी को बिलोंग करते हो तो आप क्या कर सकते हो, उनको जो उनके कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं नोटिफिकेशन में या फिर जो उनकी वेबसाइट पर, उनको कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हो, ठीक है, इसके रिगार्डिंग वो रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। ये रहेगा, जब ये सारा हो जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या आएगा गाइस, ये चूज़ कर लोगे आप, सेंटर चूज़ करना आपको, सेंटर आपका लास्ट रहेगा। तो मेन सेंटर आ रहा है, चूज़ योर मेन सेंटर। तो गाइस जैसे जम्मू डिवीज़न के उनको जम्मू चूज़ करना, श्रीनगर के जो है श्रीनगर चुनना, लेह के जो है वो लेह चूज़ करना। तो फिर अपने हिसाब से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्ज़ाम होता है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट होते हैं, तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो सेंटर अलॉट कर देंगे, जैसे जम्मू वालों को, जम्मू का कोई भी डिस्ट्रिक्ट। फिर आपको क्या करना है, क्लिक हेयर टू पे फी, इस पर क्लिक करना है, फिर आपकी डिटेल आएगी, तो वहाँ पर एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, मैं बताता हूँ आपको। गाइज जैसे ही आप क्लिक हेयर टू पे वो करेंगे, उस पर क्लिक हेयर टू पे, तो उसके बाद आपके सामने ये आएगा कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर वगैरह, ये आप चेक कर लें ध्यान से। और यहाँ पे ये आ रहा है कि आपको ये जो पेमेंट रेफरेंस नंबर है ये नोट करके रखना, अगर आपकी पेमेंट वगैरह फेलियर हो जाती है तो जनरेट करने के लिए सी। फिर आपको पे नाउ पे क्लिक करना है, जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे आगे आपको आएगा कार्ड डिटेल्स इंटर करने के लिए, वहाँ पे आपको कार्ड डिटेल्स इंटर करनी है, और फिर आपको OTP आएगा, आपके फ़ोन नंबर है, जैसे आप बाकी पेमेंट करते हैं वैसे ये प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। इससे आगे मैं आपको बताता हूँ बाद में। तो जो आपने वहाँ पे फ़ी पे कर दी है, वहाँ पे एक फी रसीद जनरेट हो जाएगी। दो ऑप्शन आएंगे, एक प्रिंट का आएगा आपको और दूसरा आएगा होम का। तो आपको प्रिंट पे क्लिक करना है और अपनी फी रसीद जो है वो डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। तो अगर आपका वहाँ पे नहीं भी होता है तो इन आप यहाँ से डुप्लीकेट पेमेंट रसीद भी डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे इस पे क्लिक करके। यहाँ पे आपको देना क्या होगा, अपना नाम डालना होगा यहाँ पे, और जो नंबर दिया था पेमेंट के टाइम पे, और पेमेंट रेफरेंस नंबर जो मैंने आपको नोट करने के लिए बोला था, तो वो डाल के क्लिक हेयर टू वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपकी फ़ी जो है वेरीफाई हो जाएगी और आपको नंबर पता चल जाएगा। तो अगर आपको आपकी होगी ये डाउनलोड, तो आपको क्या करना है, रजिस्टर योर सेल्फ पे क्लिक करना है। यहाँ पे रजिस्टर योर सेल्फ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डालना है फी रिसीट पे आपको होगा फी डिपोजिटेड बाय ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर डालना है यहाँ पे कॉपी करके, यहाँ लिख भी सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ये डाल के आपको क्लिक हेयर टू वेरीफाई फी करना है, ठीक है। उसके बाद आप मैं बता दूंगा आपको कैसा इंटरफेस खुलेगा। गाइज उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट आएगा, यहाँ पे फादर नेम जो आपने ऑलरेडी फिल किया करा हुआ है वही आएगा, ये आप एडिट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, मदर नेम फिल करना, खुद जेंडर फिल करना है, मोबाइल मेल आईडी फिल करनी है, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो कैलेंडर आएगा, वहाँ से सिलेक्ट करनी है, ठीक है, ये रहेगा। उसके बाद आएगा आपको एड्रेस फिल करना है, यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है, यहाँ पे एड्रेस, सिटी, टाउन, एरिया, लोकेलिटी, पिन कोड, और यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है कि इनके साथ पासपोर्ट भूल जाते हो तो वो सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल के सेट हो जाता है। और यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है, इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से चूज़ करना आपको, लोकेशन में जाके चूज़ करके अपलोड पे क्लिक करना है। पहले आपको क्या करना है, मैं फिर से बता देता हूँ आपको क्या करना है, चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, आपके फ़ोन के फोल्डर खुल जाएगा यहाँ पे आपने रखा होगा, तो वहाँ से क्या करके चूज़ करके अपलोड कर देना है, अपलोड करना है। फिर आपको क्या करना है, सिग्नेचर भी सिमिलरली ऐसे चूज़ करके अपलोड साइन करना है, यहाँ पे वो शो हो जाएंगे, यहाँ पे आपका फोटोग्राफ शो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आपके सिग्नेचर शो हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको एक पासपोर्ट खुद से रखना है जो 11 कैरेक्टर से कम होना चाहिए, यहाँ पे आपको खुद करना है, अब पासवर्ड नोट करके रखना है। यहाँ पे आपको कंफर्म सेम पासवर्ड यूज़ यहाँ डालना है, वो यहाँ पे डालना है दूसरे कॉलम में, जो यहाँ पे डालना है वो यहाँ पे डालना है, ठीक है। और फिर आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ठीक है। फिर वो एप्लीकेशन नंबर भी आपको क्या करना है, नोट करके रखना है और उस फॉर्म को सबमिट कर देना है, ठीक है। तो गाइज जब आप सबमिट करोगे तो उसके बाद आपको ऐसा आ जाएगा यहाँ पे, आपका एप्लीकेशन नंबर ये है, और उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर इज़ जनरेटेड आफ्टर योर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन फॉर जी के सेल लासेट, और आपको आपको क्या करना है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे होम पेज पे जाके थर्ड स्टेप वहाँ से भी फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज उसके बाद जो है आपका फ़ोटो साइन वगैरह डिटेल्स ऊपर शो हो जाएंगी, यहाँ पे आपको आइडेंटिटी टाइप सिलेक्ट करना है, आधार, वोटर आईडी वगैरह जो अवेलेबल होगा उसमें सेलेक्ट करना है, उसका नंबर डालना है यहाँ पे, यहाँ पे सब्जेक्ट एरिया जिसमें आपका वो किया है
जिसके लिए आप सेट के लिए अप्लाई कर रहे हो या लास्ट सेट के अप्लाई कर रहे हो, सब सेंटर आपको चूज़ करना है यहाँ पे, सेलेक्ट योर सब सेंटर। सब सेंटर में एक मिनट देखते हैं क्या आता है। हाँ तो सब सेंटर में आपको ये ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, ये देखो जम्मू कठुआ उधमपुर और रजौरी, यहाँ यहाँ इसका सेंटर बनेगा। तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट योर कैटेगरी, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है यहाँ पे आपको, जैसे जो भी RBA वगैरह SC ST जो भी आएगा। पास या पेयरिंग सेलेक्ट करना आपको यहाँ पे, पास या पेयरिंग सेलेक्ट करना है। और पेयरिंग करोगे तो देखते हैं क्या आता है। तो वाइज आपको क्या करना है, आइडेंटिटी टाइप चूज़ करना है यहाँ पे, एंटर आइडेंटिटी ID का नंबर डालना है यहाँ पे, यहाँ पे सब्जेक्ट चूज़ करना है आपको, कौन सा सब्जेक्ट एरिया जिसके लिए आप लास्ट सेट लिए अप्लाई कर रहे हो। फिर आपको सेलेक्ट करना सब सेंटर, मतलब आपको डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन मिलेंगे। और तो फिर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको क्या करना है गाइज, उसके बाद आपको पास या पेयरिंग सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको मार्क्स या CGPA जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको लिखना अपना यहाँ मार्क्स या CGPA जो भी है आपका, ईयर ऑफ पासिंग या पेयरिंग, ईयर ऑफ पेयरिंग जो होगा कि आप फाइनल ईयर में कौन से ईयर अप्लाई पेयर कर रहे हो, या ईयर ऑफ पासिंग कब आपने पास किया है, और नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी कहाँ से पास किया है। यहाँ पे स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है आपको, सब्जेक्ट इन विच आर यू PG, जिस सब्जेक्ट में आपकी PG है उसमें करना है। यहाँ पे आर यू हैविंग MPhil PhD, यस अगर है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। आर यू हैविंग PhD डिग्री, इस पे भी आपने सेलेक्ट करना है यस या नो। तो फाइनली आपका क्या होगा गाइज, यहाँ पे आपको हो जाएगा, यहाँ पे आपको आ जाएगा, यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन आएगी, यहाँ पे आपने डू यू, यहाँ पे आएगा डू यू हैव डोमिसाइल या आर ओब्लिक PRC ऑफ J&K लद्दाख, आपको यस या नो जो भी है आपका वो करना है, और आपको फाइनली सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो सबमिट पे क्लिक कर देना आपको, उसके बाद आपको, तो गाइज जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने आ जाएगा प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको प्रिंट करके एप्लीकेशन फॉर्म रख लेना है। ठीक है, तो ये था कि आपने JK सेट के लिए, लास्ट सेट के लिए कैसे अप्लाई करना है अपने मोबाइल फ़ोन से, सिंपल मैंने स्टेप्स में बताया। तो गाइज़ अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा जितना मेरे से हो सकेगा, जो मुझे सही लगेगा उसके अकॉर्डिंग। तो गाइज़ थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। हैव अ नाइस टाइम।